दिया पाक कर लवा में दिया चूतिए ना कटी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूँ तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है एक्सक्लूसिव डिटेल ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, माय पार्लियामेंट माय प्राइड। तो इंडिया ने जी नया पार्लियामेंट बनाया है, देखते हैं कल ही इनागुरेशन हुआ इसका और बड़ी खूबसूरत बनाया गया है। देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन और करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। भारत विविधता का दर्पण, एकता की मूर्त और लोकतंत्र की जननी। यहां गणतांत्रिक व्यवस्थाओं के उदाहरण हैं वेदों में, वैशाली की गण परिषद के उत्कोचों में, आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में, उत्तरा मेरूर के शिला लेखों में वर्णित चोल साम्राज्य की पंचायत व्यवस्था में, उनकी गणम और वार्यम व्यवस्था में, भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंटपम की धारणा में। गण सभा, गणपति, समिति, लोकपाल जैसे शब्द भारत में हजारों साल से अस्तित्व रखते हैं। स्वरूप बदलता रहा, संस्कार नहीं। बदलते समय के साथ भारत बना विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र, जिसका साक्षी बना हमारा संसद भवन। करीब 1 शताब्दी पहले 1927 में औपनिवेशिक हितों के लिए यह काउंसिल हाउस बना, देश आजाद हुआ, ये भारत की संसद बनी, यहीं पर हमारा संविधान रचा गया। आज यहीं से लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सदस्य भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विचार विमर्श की तंदुरुस्त प्रक्रिया से देश को दिशा दिखाती है ये गोल आकार संसद। इतिहास की कई अभूतपूर्व उपलब्धियों का साक्षी संसद भवन। समय के साथ यहां पर्याप्त जगह और सुविधाओं का अभाव होने लगा था। आधुनिक तकनीक का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण हो रहा था। ऐसे में विगत कई दशकों से कई सरकारों ने नए भवन की आवश्यकता को महसूस किया, पर इसे साकार करने का साहस किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और 10 दिसंबर 2020 को संसद के नवनिर्मित भवन की आधारशिला रखी गई। 2.5 वर्ष से भी कम समय में 65,000 वर्ग मीटर में फैले इस भवन का लगभग 60,000 श्रमवीरों द्वारा 23 लाख मानव दिवस से भी अधिक सृजित रोजगार से निर्माण कार्य पूरा किया गया, जो अपने आप में कीर्तिमान है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। नए भारत के हर नागरिक की आकांक्षाओं और उज्जवल भविष्य को समर्पित संसद के नए भवन का निर्माण मौजूदा संसद भवन के प्रांगण में ही किया गया है। आने वाले समय में संसद के नए और मौजूदा भवन एक दूसरे के पूरक होंगे। इस भवन में प्रवेश के 6 द्वार हैं, जो भारतीय सभ्यता के अनुसार प्रकृति को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मकर और हंस यानी जल को नमन, शार्दुल और गरुड़ यानी नभ को नमस्कार, अश्व और गज यानी थल को प्रणाम। संसद के नए भवन का नया विराट लोकसभा कक्ष जो राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है। इसका आकार मौजूदा लोकसभा से लगभग 2 गुना बड़ा है। नया राज्यसभा कक्ष राष्ट्रीय पुष्प कमल से प्रेरित है। जिसका आकार भी मौजूदा राज्यसभा कक्ष से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। ये भवन देश की जनता को समर्पित है। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में जनता के स्वागत के लिए विशाल दर्शक दीर्घा का निर्माण किया गया है। अत्याधुनिक डिजिटल उपकरण दोनों सदनों की सुविधाओं को नया आयाम देते हैं। यहाँ सदन की कार्यवाही को विभिन्न भाषाओं में सुना और पढ़ा जा सकता है। सदस्यों के लिए बायोमेट्रिक की सुविधा है। वोटिंग के परिणाम और सदन की कार्यवाही के प्रसारण के लिए विशाल मल्टीमीडिया डिस्प्ले, ऑटोमेटिक कैमरा कंट्रोल और कमांड सेंटर का भी निर्माण किया गया है। ये नया स्मार्ट भवन पूरी तरह से पेपरलेस है। इस भवन के एक भाग में लोकसभा है, दूसरे में राज्यसभा, और इस भवन का केंद्र समर्पित है हर भारतीय को, जिनके लिए सेंट्रल फॉयर में बना है संविधान कक्ष, जहां वे भारत में लोकतंत्र के अतीत से वर्तमान की यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। यहीं भारत के संविधान की डिजिटल प्रतिरूपी भी रखी गई है। इसी सेंट्रल फॉयर में ऊपर की त्रिकोणीय छत से सूर्य की किरणें ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए पेंडुलम क्लॉक पर गिरती हैं। ये किरणें बरगद के पेड़ को नहलाती हैं और सदस्यों के लिए निर्मित कक्ष, पुस्तकालय, भोजन कक्ष में फैल जाती हैं। आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक इस भवन के निर्माण में भारत के हर भाग ने अपनी भागीदारी निभाई है। कहीं महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी सजी है, उन्हीं से दोनों सदन में अशोक चक्र भी बना है। कहीं राजस्थान का शानदार स्टोनवर्क, कहीं उत्तर प्रदेश की कालीन बिछी है, कहीं त्रिपुरा की बैम्बू वुड फ्लोरिंग, वहीं सफेद मार्बल गुजरात से आया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से प्रेरित सभी वर्गों, प्रांतों ने मिलकर बनाया है ये भवन। ये भवन इको फ्रेंडली होने के साथ साथ भूकंप रोधक भी है। 1700 से अधिक दरवाजे, खिड़कियां हैं, 3.5 किलोमीटर लंबे बिल्डिंग कॉरिडोर्स हैं। ये भवन विकास और विरासत का अद्भुत संगम है। एक तरफ यहां सुरक्षा और सुविधा के लिए स्मार्ट फीचर्स और स्मार्ट एक्सेस की व्यवस्था है, वहीं भारत की प्राचीन कलाओं का अद्भुत एकीकरण भी है। तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। नए भारत के आत्मविश्वास को बढ़ाता, विकसित भारत के संकल्प को गति देता, ये है हम भारतीयों का संसद भवन। चेयरमैन जी वीडियो ख़त्म हो गई और भाई साहब जो पार्लियामेंट बनाया गया है बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। सबसे पहले नंबर तो बात यह है कि किसी कंट्री में ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि डेमोक्रेसी वाले कंट्री में ये चीज़ें जो है ना लाजमी होनी चाहिए जी। तो हैरान कर देने वाला भाई इतना बड़ा दुनिया का कंट्री को एक दिशा देने के लिए भाई साहब बेस्ट जगह यही होती है, इधर से तो फैसले किए जाते हैं। नहीं वो तो सारे मुल्कों में होते हैं ना, ऐसा तो नहीं, जरूरी भी तो है ना, है बिल्कुल जरूरी है तो पाकिस्तान दुनिया से हटकर और इतना जदीद कर दिया गया। वैसे ऐसा हमारे मुल्क में तो नहीं चल सकता, क्योंकि भाई साहब हमें तो पेपरों की जरूरत है भाई, पेपरों के बगैर तो हमारे काम कोई चलता ही नहीं है। एक दूसरे के ऊपर से फेंकने होते हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए। हाँ वो बात भी है, उसके अलावा पर्ची के बगैर तो काम चल नहीं सकता, ऊपर से देखकर ही पड़ना ऐसा ना विश्वास रिश्ता है वो उसको अखलाक लाओ के फिर वापस चले आए। खोल नहीं ना है लैपटॉप या कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी वाला तो बोलता है पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा है वो तो है ही, कभी कभी वो हो जाता है ना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाता है ना उसकी वजह से। बाकी भाई बहुत ही खूबसूरत बनाया, पहला भी कोई कम नहीं था, पहला भी बड़े खूबसूरत था, लेकिन जो मौजूदा बनाया गया इसके तो क्या ही कहने भाई। एक तो एक सॉरी त्रिकोण सी बनी हुई है, तो उसके जो इंट्रेस जो गेट है उसके ऊपर जिस तरह वो डिफरेंट जो है किस्म के जानवर कहीं पर बहुत खूबसूरत स्वागत के लिए हाथी भी थे बने हुए, वो बड़ा खूबसूरत था। एक मोर की शक्ल का कल्चर को बहुत ज्यादा टच किया गया इसमें जी। लेकिन देखना जिस स्टेट की जो अच्छी चीज है क्वालिटी वाली, वो क्लीन हो गई, वो लकड़ी होगी या वो पत्थर हो गया, उन सभी को मिल मिला के इसको बनाया गया ताकि सारी स्टेट की जो भी अच्छी क्वालिटी वो इधर समाई हो। बिल्कुल जी। और खूबसूरत भी भाई साहब कमाल का था, ऊपर पेंटिंग सी बनी हुई थी वो मोर वाली, वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी। और जो जगह जगह पर देखी थी सीलन कितनी खूबसूरत बनी, वो भी ऊपर दूसरे क्या जो कमल का भी बनाया हुआ था ऊपर छत के ऊपर, वो बड़ा खूबसूरत था भाई। देखा जाए तो टोटली जो है ना ये काबिल तारीफ है, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। और बिल्डिंग तो खूबसूरत है ही, और सबसे ज्यादा खूबसूरती है कि भाई आपके पास डेमोक्रेसी है जी। बिल्कुल ऐसी बात है, जो मेन चीज होती है ये बिल्डिंगों से कुछ नहीं होता वैसे। हाँ। क्यों बिल्डिंगों से नहीं भाई, मेन जो चीज है ना कि वो तो आप घर के अंदर ही वो ऑनलाइन जो कॉन्फ्रेंस करते हैं, कानून की इज्जत होनी चाहिए। बिल्डिंग बना दो, वहाँ पर आपकी डेमोक्रेसी ना, कानून की इज्जत ना की जाए, ये बात तो है। भाई साहब डेमोक्रेसी कानून की इज्जत है तो उन्होंने पहले था ना उससे बड़ा बना दिया। हमारे पास भी है, ये हमारे पास भी है, लेकिन हम इस लेवल का नहीं है। हमारे पास भी है लेकिन हमारे पास है क्या, रिस्पेक्ट नहीं है भाई, इज्जत है इधर, इज्जत पाकिस्तान की बची नहीं, पार्लियामेंट की भी नहीं है भाई साहब। इधर लोग एक दूसरे को ताना गाली, एक दूसरे को नीचा दिखाने झगड़े के लिए आते हैं, वो तो उधर भी होती है, ऐसा बात नहीं कि उधर नहीं होती। लेकिन पार्लियामेंट में भाई साहब इस तरह का करना ये तो खराब है, हो जाती है अपोजिशन यार, एक दूसरे की बात ही नहीं माननी, तो फिर इसका फायदा क्या बनाने के इतने ज्यादा पैसे लगाने का। फायदा तो मतलब ये है ना कि तमाम तर मसाइल जो होते हैं हर बंदे की, ये तो उस वजह से कहता कि आमने सामने हो, जो मसले मसाइल है उसको डिस्कस करे, उसको हल करने के कुछ ना कुछ मनसूबे तैयार किए, ये तो उस वजह से अपोजिशन होती है। अगर वो करना ही नहीं है तो फिर साहब बनाने का फायदा यही होता है कि भाई जो हमारे पाकिस्तान के अंदर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इंडिया वाले तो भाई साहब। हाँ पाकिस्तान तो भाई अजूबा कंट्री है, दुनिया का सबसे बेहतरीन कंट्री है। इसमें तो जो चीज भी बनाई जाती है, जो जिस मकसद के लिए चीज बनाई जाती है वो होता नहीं है। यहाँ पे बस डेमोक्रेसी नाम में लिखा गया लेकिन है नहीं, यहाँ पर दिखाया कुछ जाता है, किया कुछ जाता है, समझाया कुछ जाता है, होता कुछ है, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं जी। अजीबो गरीब निजाम चला हुआ है पाकिस्तान में। लेकिन भाई पुराने कल्चर को भी इसमें दिखाया गया और नई टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी का खास इंतजाम रखा गया, कैमरों का बड़ा इंतजाम है, और जो अशोक चक्र है वो एक ये था कल्चर थोड़ा सा ना वो ज्यादा इम्पोर्टेंस जो रखता है। अशोक चक्र होता है तरक्की की जो पहिया होता है ना, उसको शो करता है कि भाई ये पहिया चलेगा तो तरक्की होगी। हमारे पास पहिए नहीं है, बस वो नहीं, हमारे पास चांद पर जाने वाली सोच तो है, चांद सितारों वाली सोच। हाँ ये है कि नहीं, वो इंडियन भाई बोलते हैं भाई साहब आप चांद पर जाने की ख्वाहिश मत जाहिर करो, आप सिर्फ अपना जो झंडा है ना उसके ऊपर जो चांद है हमारे पास तो ऑलरेडी, वही तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पे भाई साहब मेरा सवाल ये पैदा होता है कि जो पहला पार्लियामेंट था तो उसका क्या किया जाएगा, उसको मतलब गिरा दिया जाएगा या उस बिल्डिंग का क्या करेंगे? हो सकता है वहाँ म्यूजियम टाइप या कुछ, हाँ बिल्डिंग है उसको गिराएंगे तो क्या फायदा? नहीं वो इसलिए कि भाई उससे फायदा लिया जाएगा, ये बहुत है। हाँ कुछ ना कुछ तो उससे होगा, क्योंकि इतनी कमाल की और एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग भी है, क्योंकि बहुत 1927 में बोरे थे ना बनी थी वो पुरानी, तो समझो 100 साल तो उसको भी होने वाला ही है जी। 4 साल पहले बना लिए, 100 साल हो जाता तो फिर। लेकिन ये भी अच्छा है कि मोदी जी ने अपने दौर में वो कंप्लीट कर दी। मजे की बात तो ये कि भाई जब बंदा काम करने पे आए ना, अच्छा तेजी दिखा। 2.5 साल लगे सिर्फ, पैसे की बात है भाई साहब, पैसा भी है और इंजीनियर भी है, रॉ मटेरियल भी है। कितने 60 से ज्यादा लोग जो थे काम करते रहे हैं, 60 से ज्यादा थे ना, बोल रहे थे मेरे ख्याल में 60 से ज्यादा बोल रहे थे कि 600 से 60 थे मेरे ख्याल में। तो इतने ज्यादा जब लोग 60,000 लिखा हो, नहीं सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई भाई, कोई 60 लोग काम कर रहे थे या इससे भी ज्यादा काम कर रहे थे। 60 लोगों के काम करने से इतना जल्दी काम तो बहुत होने वाला। अच्छा वो 3.5 किलोमीटर का जो बोर रहे थे वो चक्कर, वो जो है ना गुलाई उसकी वो इतनी बन जाती है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा बड़ा उसके देखो रेस्टोरेंट भी जगह है, खाने पीने ये सिर्फ बैठने वाली जगह नहीं, इसमें खाने पीने की, रेस्ट करने की, वो जितने आते हैं उनके अलग अलग से कमरे भी होंगे कि वो वहाँ पर अपना सामान रख सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। पहले कोई आ जाता है जब वो उधर रुक सकता है, तो यह सारी सहूलतें उधर होंगी भाई। तो बहुत बढ़िया लगा देख के भाई, दिल खुश हो गया। और सबसे बढ़िया जो चीज मुझे लगी वो पेपरलेस वाली लगी। हाँ पेपरलेस, ऑनलाइन सभी कुछ है जी। वो जो है बायोमेट्रिक सिस्टम है। एक और चीज है कि अगर कोई भी स्पीच कर रहा है ना तो उसकी बंदा अपनी लैंग्वेज जो मर्जी लैंग्वेज वो सिलेक्ट करके सुन सकते हैं। वो अगले दिन गए थे ना PM मोदी ऑस्ट्रेलिया, तो मैं बोल रहा था भाई इंग्लिश में कर लेते स्पीच, क्योंकि मेजोरिटी तो वहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग थे या अंडरस्टैंड कर सकते थे, चाहे इंडियन भी थे। तो सबने बोला कि भाई अपनी अपनी वो ब्लूटूथ लगे होते हैं, वो अपनी मर्जी से जो जुबान है सिलेक्ट करके सुन सकते हैं। भाई टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास तो इतनी है नहीं, तो तभी हम ऐसे ऊंट पटांग से जो सवाल वो कर देते हैं। तो ठीक है भाई, बड़ा अच्छा लगा देखा, और आपको मुबारक हो इसकी ये नए पार्लियामेंट की। और आई विश के भाई आपका कंट्री जो है वो डेमोक्रेसी वाला बने रहे और इसी तरह तरक्की करता रहे भाई। हमारी तरफ से दुआ है, और हमारे लिए भी दुआ करें कि हमारे में भी थोड़ी सी डेमोक्रेसी आ जाए। चलो ज्यादा नहीं, थोड़ी सी आ जाए, वही उससे ही काम चला लेंगे। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।